बुग्याल शब्द तो आपने सुना ही होगा, तो आइए आज चलते हैं समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित दयारा बुग्याल के खूबसूरत सफर पर। दयारा बुग्याल को उत्तराखंड सरकार ने 2015 में ट्रैक ऑफ द ईयर भी घोषित किया था। गढ़वाल की घाटियों में कई छोटे बड़े बुग्याल हैं जो अपनी खूबसूरती के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध हैं, जैसे बेदनी बुग्याल, पवाली कांठा, चोपटा, औली, फूलों की घाटी, गुरसों, हरकी दून, दयारा बुग्याल आदि। इन्हें देखने के लिए पर्यटक देश विदेश से यहाँ आते हैं। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद जानेंगे बुग्याल क्या होते हैं, दयारा बुग्याल कहाँ स्थित है, यहाँ कैसे पहुँचें, जाने से पहले क्या तैयारी करें, कब जाएं, क्या सावधानी बरतें, और दयारा की खूबसूरती देख खुद मालूम पड़ जाएगा कि दयारा क्यों जाएं। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आलोक आपका स्वागत करता हूं इस खूबसूरत, रोमांचक और दिलचस्प सफर में। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पॉपकॉर्न ट्रिप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, आने वाले वीडियोस का अलर्ट पाने के लिए बेल आइकॉन में क्लिक भी कर लें। इस चैनल में आप पाएंगे विभिन्न पर्यटक स्थलों से जुड़ी रोचक जानकारियाँ। आइए अब जाने बुग्याल क्या होते हैं। बुग्याल हिमरेखा और वृक्ष रेखा के बीच का क्षेत्र होता है, या दूसरे शब्दों में बुग्याल का अर्थ है पहाड़ों की ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान। आमतौर पर ये समुद्र तल से 8 से 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित होते हैं। बुग्याल देखकर यह आभास होता है जैसे प्रकृति ने इन पहाड़ों पर घास की कालीन बिछा दी हो। बुग्यालों में कई बहुमूल्य वनस्पतियां और दुर्लभ किस्म की औषधि युक्त जड़ी बूटियां होती हैं। इन बुग्यालों में कई सामान्य जीव जंतु, विभिन्न रंगों की तितलियां आदि भी देखी जा सकती हैं। आज के सफर का डेस्टिनेशन दयारा बुग्याल उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल मंडल में उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बरसू गांव दयारा बुग्याल का बेस कैंप है, जहां से 9 किलोमीटर का ट्रैक करके आप दयारा पहुंच सकते हैं। नजदीकी एयरपोर्ट जौलीग्रांट देहरादून 195 किलोमीटर की दूरी पर और नजदीकी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है 180 किलोमीटर। दिल्ली से दयारा की दूरी लगभग 450 किलोमीटर है। ये रहा स्क्रीन में रूट मैप। हमारे सफर की शुरुआत हुई देहरादून से। दयारा पहुंचने के लिए हम राजपुर रोड देहरादून से मसूरी होते हुए चंबा, उत्तरकाशी, भटवारी और बरसू गांव पहुंचेंगे। कुल ट्रैकिंग लगभग 18 किलोमीटर की हो जाती है, 9 किलोमीटर जाना और 9 किलोमीटर वापस बरसू गांव आना। यहाँ जब आप हरे भरे घास के मैदान नुमा ढलान में पहुँचते हैं तो आपकी सांसें थम जाती हैं, आंखें खुली रह जाती हैं और आप चाहते हैं आप इन सबको अपने दिल और दिमाग में संभालें। 28 वर्ग किलोमीटर में फैला दयारा बुग्याल का मखमली घास का मैदान, इन पर चलना बिल्कुल गद्दे पर चलना जैसा लगता है। यहाँ से हिमालय की भागीरथी, बंदरपुर, ब्लैक पैक और अन्य चोटियाँ दिखाई देती हैं। नेचर फोटोग्राफर्स के लिए अच्छा मौका होता है प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ सुंदरता को अपने कैमरे में समेटने के लिए। जानते हैं कि कहाँ आप रुक सकते हैं। दयारा बुग्याल में कोई गेस्ट हाउस या होटल उपलब्ध नहीं है, इसलिए ट्रैकर्स को ही अपने साथ टेंट, स्लीपिंग बैग और अन्य खाने पीने का सामान ले जाना होता है। टेंट दयारा बुग्याल के मैदान पर लगाया जा सकता है। दयारा जाने का समय, बरसात के मौसम में यहाँ ना जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि रास्ता और घास फिसलन भरी हो सकती है और थोड़ी सी लापरवाही से आप घायल हो सकते हैं। दिसंबर से मार्च तक स्नोफॉल होता है, इससे यहाँ बर्फ की मोटी चादर बिछ जाती है जो अप्रैल के बाद ही पिघलती है। अप्रैल से जून तक का वक्त दयारा जाने का आदर्श समय है। दयारा बुग्याल या किसी भी ट्रैक में ले जाए जाने वाले जरूरी सामान की लिस्ट, आवश्यक तैयारी की बात हम इसी वीडियो में आगे करेंगे। दयारा के निकटवर्ती आकर्षण हैं गौमुख, गंगोत्री, हरसिल, मुखोबा। इन स्थानों के बारे में भी जानकारी देता वीडियो हम आपके लिए जल्द ही लाएंगे। और अब कुछ जरूरी सुझाव जो किसी भी ट्रैकिंग में जाने से पहले आपको तैयारियां और सामान रखना होता है उसके बारे में। हालांकि दयारा बुग्याल आसान ट्रैकिंग की श्रेणी में आता है, फिर भी आपको अपने शरीर को ट्रैकिंग के लिए तैयार करना ही बुद्धिमानी है। इसके लिए जब भी आप किसी ऐसे ट्रैक में जाएं, तो कुछ दिनों पहले से ही जॉगिंग, साइकिलिंग या स्विमिंग का अभ्यास करें, जिससे आपका स्टेमिना बढ़े। अगला सुझाव, अनजान ट्रैकिंग और रास्तों का आइडिया ना होने से बेहतर ये रहता है कि आप अपने साथ पूरा रूट मैप और कोई अनुभवी ट्रैकर अथवा गाइड ले चलें, जिससे आपकी ट्रैकिंग खुशनुमा और आसान बनी रहे। अकेले जाना अवॉइड करें, दो या दो से ज्यादा के ग्रुप में जाएं और इसके साथ ये भी सुनिश्चित करें कि आपने अपने ट्रैकिंग प्लान के बारे में अपने किसी परिचित को सूचित किया हो, जिससे किसी अनचाही और आपातकालीन परिस्थिति आने पर आपको जरूरी मदद मिल सके। ऐसे ट्रैक्स में क्या खाने पीने की जरूरी वस्तुएं ले जानी चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं।
इस ऊंचाई पर आपको कोई रेस्टोरेंट या अन्य खाने पीने का सामान उपलब्ध नहीं होगा क्योंकि यहाँ इंसानी आबादी नहीं होती। इसलिए ट्रैकर्स राशन, खाद्य सामग्री और ईंधन अपने साथ ही ले जाते हैं। आप साथ में रसोईया भी ले जा सकते हैं। इसके अलावा पैकेज्ड फूड जैसे नूडल्स, स्नैक्स, चॉकलेट, कुकीज आदि भी आप अपने साथ ले जा सकते हैं। ये स्क्रीन में आपको किसी भी ट्रैक में ले जाए जाने वाली कुछ जरूरी सामान जैसे पहचान पत्र, कपड़े, दवाइयाँ, खाने पीने के सामान, ईंधन सामग्री, टेंट, स्लीपिंग बैग आदि की लिस्ट दिखाई दे रही है। ये जरूर अपने साथ रख लें जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। यहाँ कभी भी बर्फबारी हो सकती है, इसलिए ये सुझाव है कि गर्म कपड़े, रेनकोट और एक एक्स्ट्रा पॉली बैग अपने साथ रखें जिसमें गीले कपड़े रखे जा सकें। गर्म कपड़े ऐसे रखें जो वजन में हल्के हों। बुग्यालों में बड़ी संख्या में भेड़, बकरियां और अन्य दुधारू पशु चरते हुए मिलते हैं। मवेशियों के लिए चारागाह का काम देते हैं और ट्रेवलर्स के लिए कैंप साइट की जगह। अगर आपको पहले कभी ट्रैकिंग का अनुभव ना रहा हो तो दयारा बुग्याल का ट्रैक आपके लिए सही विकल्प हो सकता है क्योंकि ये ट्रैक अन्य कठिन ट्रैक जैसे पिंडारी, रूपकुंड ट्रैक आदि की तुलना में आसान है। किसी भी नेचर लवर ट्रैकर को कभी भी यहाँ आने का मौका नहीं छोड़ना चाहिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए सफर में नई जानकारी के साथ। वीडियो लाइक करना ना भूलें, शेयर भी कर ही लें, अपने सुझाव नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद के साथ विदा।